चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर है, आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 3 करोड़ से अधिक बच्चों को खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवाई। और चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बताया है कि बच्चों के पेट में कृमि संक्रमण एक आम संक्रमण, इससे पेट की आंतों में कृमि उत्पन्न होने से शरीर के पोषक तत्वों को वो खा जाते हैं। इसके कारण खून की कमी और कुपोषण के साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सभी लाभार्थी बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों की सेहत को सुधारने के लिए ये काम किया जा रहा है और आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों को खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवाई। कृमि संक्रमण एक आम संक्रमण, डॉक्टर्स के मुताबिक इससे पेट की आंतों में कृमि उत्पन्न होने से हालांकि खून की कमी हो जाती है, कुपोषण के शिकार बच्चे हो जाते हैं। अब कुपोषण के शिकार होने से बच्चों को बचाने के लिए कृमि नाशक दवाई बच्चों को खिलाई जाएगी। सभी तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई हैं। तो आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कृमि नाशक दवाई दी जाएगी। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बताया है कि बच्चों के पेट में कृमि उत्पन्न होने से जो खून की कमी हो जाती है, कुपोषण के शिकार बच्चे हो जाते हैं और इससे मानसिक विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है। सभी लाभार्थियों को कृमि नाशक दवाई के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है विभाग की तरफ से। नाशक दवाई खिलाई जाएगी और चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बताया है कि बच्चों के पेट में कृमि संक्रमण एक आम संक्रमण है। बेशक आम संक्रमण है, लेकिन इससे बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। इससे पेट की आंतों में कृमि उत्पन्न होने से शरीर के पोषक तत्वों को वो खा जाते हैं, इसके कारण खून की कमी हो जाती है, कुपोषण के साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सभी लाभार्थी बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। और विकास शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, कृमि नाशक दवाई बच्चों को दी जाएगी, खिलाई जाएगी, इसके लिए विभाग ने तैयारी भी पूरी कर ली है, कैसी व्यवस्था रहने वाली है और कब से दवाई देने की शुरुआत हो जाएगी? आज जो कृमि मुक्ति दिवस है उसके तहत बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें की तमाम जो तैयारियां हैं चिकित्सा विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई है। अगर हम बात करें चिकित्सा विभाग की, तो आज तकरीबन 3 करोड़ से अधिक बच्चों को ये दवा पिलाई जाएगी, कृमि नाशक दवाई जो है वो पिलाई जाएगी और उसके लिए तमाम जो तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर बात करें पिलाने की, तो 6 साल से 19 साल तक के बच्चों को स्कूलों में और महाविद्यालयों के अंदर ये दवा पिलाई जाएगी, जबकि 1 से 5 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए चिकित्सा विभाग के अलावा अन्य विभागों की बात करें तो चिकित्सा महिला बाल विकास शिक्षा विभाग और स्वयं सेवी संस्थान जो है उनके साथ सहयोग से अभियान चलेगा। तो मॉपअप राउंड होगा जिसमें कि जो बच्चे दवा से छूट जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, उन सभी को घर पर ये दवा उपलब्ध कराई जाएगी। विकास, इसके अलावा ये भी जानकारी दीजिएगा कि कितने साल से कितने साल तक के बच्चों को ये दवाई पिलाई जाएगी? देखिए, ये दवाई जो है
एक साल से लेकर के और 19 साल तक के बच्चों को सभी को पिलाई जाएगी, क्योंकि ये दवाई जो है पेट में कीड़े जो है उनको मारने के लिए दवाई होती है, कृमिनाशक दवाई है। इसको एक बड़ा अभियान जो है केंद्रीय स्वास्थ्य अभियान है जिसके तहत अभियान जो रास्ता में चलाया जा रहा है। विकास, क्योंकि पेट में कीड़ों की समस्या तो कुछ बड़ों को भी हो जाती है, तो क्या उनको भी ये दवाई दी जाएगी? ये जो अभियान है ये एक साल से 19 साल तक के बच्चों के लिए है, और ये जो इसका अप्रोच एरिया है वो स्कूल और कॉलेज तक है। कॉलेज में भी जो 19 साल तक के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको ये दवा पिलाई जाएगी। और उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो ये की गई है कि जो 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर, और उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनको स्कूल और कॉलेज में दवा उपलब्ध कराई जाएगी। और कितनी जगह पर विकास ऐसे व्यवस्था की गई है, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, क्योंकि 3 करोड़ से अधिक बच्चों को ये दवाई दी जाएगी? देखिए, अगर बात करें फिगर की तो प्रदेश की सभी सरकारी अस्पतालों में, प्रदेश के सभी स्कूलों में और महाविद्यालयों में और साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा पिलाई जाएगी। यानी कि जो स्कोप है वो पूरा बढ़ाया गया है, हर बच्चा जो है इस लक्ष्य पर का बच्चा जो है उसको दवा उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।